तो दोस्तों आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन हम पंडोर डैम के पास यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस था, यहाँ पर रुके हुए थे और यहाँ से अब हम लेह के लिए जो है निकलेंगे, रोहतांग के लिए निकलेंगे। रोहतांग टनल में पहुंचकर भी हम आपको दिखाएंगे वहाँ का कैसा नज़ारा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बताएं कौन कौन सी जगह आप देखना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी हम रेस्ट हाउस में रुके, रात को 10 बजे यहाँ पर पहुँचे थे और अब ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकलने लगे हैं ताकि आगे जाम ना मिले। और समय हुआ है, समय करीब 8 बज चुके हैं और 8 बजे हम यहाँ से निकलने, करीब 9 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। तो मनाली हम करीब 11 बजे तक क्रॉस करने की हम सोच रहे हैं कि 11 बजे तक हम मनाली क्रॉस कर लें और उसके बाद रोहतांग टनल जो है वे क्रॉस कर लें ताकि आगे हमें जाम, रोहतांग टनल में जाम अक्सर मिलता है। तो रोहतांग टनल में समय जो है वे करीब बताया गया है कि 11 से 1 बजे तक हम निकल जाएं रोहतांग टनल से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहें और शेयर ज़रूर करें। पंडोर डैम देख सकते हैं, पानी छोड़ा गया है, यहाँ पर एक गेट खोला गया है, ऊपर से बस जा रही है और अब हम रेस्ट हाउस से निकल चुके हैं कुल्लू के लिए और कुल्लू के सफ़र के लिए अब हम निकलेंगे। देख सकते हैं ले लिया, तो मनाली के लिए निकल गए हैं अब हम और सुबह सुबह का सफ़र हमारा शुरू हो गया है और रास्ता बहुत प्यारा है, गाड़ी चलाने का भी मज़ा आ रहा है। देख सकते हैं आप, अच्छा रास्ता जो है बन गया हुआ है, फोर लेन। देख सकते हैं ले 484 किलोमीटर, मनाली 58 और ये क्या कर रहा है भाई, कभी यहाँ घुस रहा है कभी वहाँ घुस रहा है। एक साइड चला ले भाई, ओ भाई एक साइड चला ले ना, कर ऐसे। सुंदर नजारा, ओ भाई तू भी चला ले एक साइड भाई। मरवा दी स्पीड यार इसने, सरदार जी तुसी मरवाता पानू, ओ सरदार जी मरवाता तुसी यार भाजी। रविंद्र जी टिंग करवाने के लिए यहाँ पर बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर रास्ते में रोक रहे हैं कि राफ्टिंग के लिए रुक जाइए, लेकिन हम इस समय ले जाने के मूड में हैं, राफ्टिंग आती बार देखेंगे, मूड बना तो करेंगे। इस समय कुल्लू रह गया है 16 किलोमीटर, मनाली 56। ये देख सकते हैं एयरपोर्ट तो चलना भुंतर 200। कुल्लू से आगे मनाली की ओर निकल गए हैं और ये एयर बैलून यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कि ये एयर बैलून यहाँ पर लगाए गए हैं, अगर आप इनका आनंद लेना चाहते हैं तो आप एयर बैलून्स का आनंद यहाँ पर आके ले सकते हैं। ये एयर बैलून आपको पूरे कुल्लू मनाली का दृश्य दिखाएगा। जी हाँ, देख सकते हैं इसमें करीब 3 से 4 लोग या 5 लोग भी बैठ सकते हैं, बड़ा है, यहाँ पर खड़े होते हैं बैठते नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ देखे हुए देखे, ये देखेंगे कैसे बैठे हैं लोग, ये देखे, ये आग लगी है इसमें, बस गैस होती है इसके अंदर, गैस की वजह से बैलून रहता है वो एयर बैलून।
ये देख सकते हैं एयर बैलून, लोग यहाँ पर एयर बैलून में वो कर रहे हैं। ये पहाड़ बर्फ के दिखना शुरू हो गए हैं, सामने देखें पहाड़ बर्फ के, और हम इसी उम्मीद में हैं कि बर्फ हमें देखने को मिलेगी। रविंदर भाई का कहना है कि मैं बर्फ में बैठकर एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। अब वो कैसा एक्सपीरियंस है वो पता नहीं, पिछला एक्सपीरियंस तो इनका बहुत बुरा था, क्योंकि नए टेस्ट के चक्कर में इन्होंने अपनी हालत ख़राब करवा ली। अब थोड़ा सा राहत ज़रूर इन्हें मिली है, तो चलो चलिए। इसके साथ मैं अपने सहयोगी पुलिस से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस तरह का जो बरसात में हुआ मंजर है वो भी दिखाया जाए। देख सकते हैं बरसात में यहाँ कहर बरपा था। जब बाढ़ आई थी तब ये रास्ता टूट गया था, तो आपको जल्दी हम ब्लॉग के थोड़ा सा रश देखने को। ये देखिए सड़क टूटी हुई है, नीचे ये सड़क टूटी है और इसकी वजह से थोड़ा सा जाम जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब रोहतांग हमारा कुछ ही किलोमीटर रहा है और यहाँ पर एक रास्ते में काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, जंपिंग भी है, अलग अलग स्पोर्ट्स यहाँ पर हैं, रोपवे भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आके भी आप रुक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आनंद ले सकते हैं, मैगी चाट आदि का आनंद ले सकते हैं। किलोमीटर अटल टनल रोहतांग, बस थोड़ी देर में हम पहुँच कर आपको रोहतांग टनल दिखाएंगे और उसके बाद लेह की ओर चलेंगे। से बाहर निकले हैं हम, क्या नज़ारा है, गाड़ी लगाने की जगह देखते हैं पहले तो। ये नज़ारा अटल टनल से बाहर निकले हैं हम, क्या नज़ारा है, गाड़ी लगाने की जगह देखते हैं पहले तो। ये नज़ारा अटल टनल, टनल के हम दूसरी साइड खड़े हैं। ये इस साइड रोहतांग टनल है और रोहतांग टनल के इस साइड हम पहुंच चुके हैं दूसरे छोर पर। अब हम केलोंग के लिए निकलेंगे, केलोंग के लिए यहाँ से हम जाएंगे और आगे का सफ़र कैसा रहता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुँचे हुए हैं। तो ये है अटल टनल। ये देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा अटल टनल के बाहर का। तांग टनल के बाद अब हम लेह के लिए निकल गए हैं, तो देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ पहाड़ बर्फ के और साफ सुथरी सड़क, हल्की हल्की कहीं से ख़राब है बीच में। अभी तारीफ की ही थी सड़क की और एक टूटा हुआ टुकड़ा जहाँ पर थोड़ी सी लीकेज है यहाँ पर पानी की, वहाँ पर इस समय हम पहुँच गए हैं। ये भाई साहब चलो भाई जल्दी चल ले, क्या है यार भाई, चला ले इसको, हॉर्न मारूंगा तब चलेगा। रास्ता खराब है, मजाक कर रहा हूँ, कहाँ से नीचे से रास्ता टूटा हुआ भाई, लैंडस्लाइड हुई है इसलिए नीचे के रास्ते से नहीं गए। कैसी बातें करते हो भाई साहब आप, भाई साहब खूबसूरत नज़ारा फिर से आ गया।
यार ये ना बड़ा स्लो चल रहा है और मेरे को ना गुस्सा दिला रहा है भाई साहब। क्या करूँ हैं, मैं बना रहा हूँ ब्लॉग। आपको मेरे को मेरी बनानी चाहिए कि मेरे को आपकी बनानी चाहिए वीडियो? गाड़ी मैं चला रहा हूँ, आप चला रहे हो? वो दोनों की दोनों की आप दोनों के मैच पड़े हैं हम ले के लिए लंबे सफर पर, और ये सफर हमारा सुहाना है, मजेदार है, आनंदमय है। और ये देखें यहाँ पर थोड़े से लोग दिखे हमें, जहाँ पर रेत भी थी और पानी भी था, लोग भी खड़े हैं आगे। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है बहुत ज्यादा, हम बहुत खुश हैं। मुंगेम्बो खुश हुआ। शिशु में है इस टाइम हम, शिशु विलेज। हमने खाना वगैरह खा लिया है और शिशु से अब हम निकल चुके हैं खाना खा के, और अब आगे की ओर निकलेंगे। देखते हैं कहाँ रुकेंगे, कहाँ रुकने का प्लान है। वो जैसे लगता है कि अच्छी जगह लगी प्यारी सी, जसपा में, क्योंकि हमें मेरा दोस्त फ्रेंड है शिपक, वे कुछ दिन पहले यहाँ से सफ़र करके गया, तो उसने बताया कि जसपा में एक अच्छी जगह है, टेंटिंग है, वहाँ आप रुक सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आगे पीछे चेक करेंगे कहाँ जो है सूटेबल हमें रहेगा, वहाँ पर हम रुकेंगे, क्योंकि हमारे साथ दो गाड़ियाँ और हैं और फैमिलीज हैं उसमें। तो कोई मेरा फ्रेंड या दोस्त कोई आने का रूटीन प्रोग्राम बना रहे हैं और दोस्तों के साथ आ रहे हो, दो चार दोस्त, तो मैं तो एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जहाँ पे थोड़ा सा खाने की दिक्कत है, खाने की, खाना आपको टेस्टी नहीं मिलेगा, ना ही आपके हिसाब का मिलेगा खाना। अगर आप अपने हिसाब का खाना चाहते तो अपने साथ चूल्हा लेकर आए, जो फास्ट फूड को प्रेफर देते हैं। हाँ, जैसे लेकिन खाना खाने वाले लोगों के लिए पर वो भी टेस्ट आप अगर अपना लेके आओगे तो आप अपने हिसाब से तो उस टेस्ट को बना पाओगे। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हैं और आप पूरे जोर शोर से आ रहे हैं, पूरे घूमने में आ रहे हो, तो छोटा गैस का चूल्हा और छोटे मसाले, छोटे बर्तन मसाले आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आप खाना बनाने का सामान आप साथ में लेकर आए, चूल्हा छोटा सा साथ में लेकर आए, ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसे जैसे सामने मैं आपको दिखाई ऐसी जगह पे बैठ के कुछ टाइम रखे खाना बनाया जाए, इस जगह दिखाओ जरा और खाना बनाया जाए और उसका लुत्फ लिया जाए, क्योंकि जो सामने अपने हाथ का बनाया खाना वो खुद बंदे को पता होता है कि मैंने किस तरह कैसा बनाया है। तो देखते रहें वीडियो और शेयर करें। ये सुंदर नजारा क्या आपको मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा। पहाड़ों की सुंदरता और ये साफ सुथरा सा शहर देख सकते हैं। इस समय हम शिशु से निकले हैं केलोंग जसपा के लिए। पहाड़ की खूबसूरती आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। ये देखिए पहाड़ को चीरते हुए झरने आ रहे हैं बाहर। थकान है वे सारी दूर हो जाती है सफर में, आपको थकान नहीं लगती है। देख सकते हैं आधी धूप पड़ रही है पहाड़ पे,
और बाहर हवा देखिए, ये देखिए किस तरह पेट्रोल पंप है यहाँ पर, आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा। यहाँ पर टैंकी कैनियाँ जो है वे आपको मिल जाएंगी, छोटी बड़ी कैनी, ताकि आपको आगे ले तक जाने के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर कैनी ज़रूर लेने और एक्स्ट्रा तेल जो है वे रखें, क्योंकि आगे आपको दिक्कत आ सकती है तेल की, क्योंकि एवरेज आगे कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम होती है, इसकी वजह से गाड़ी एवरेज कम देती है।